नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरु जी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की ताज़ा खबर में 4 माह में हड़पा 20 करोड़ का अनाज, 3 गिरफ्तार, 3 हिरासत में भी 50 से ज़्यादा डीलरों के नामों का खुलासा, सॉल्व पेपर खरीदने आए 22 गिरफ्तार, युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा वाराणसी में 5-5 लाख में हुआ था सौदा, लोअर सब ऑर्डिनेट भर्ती की परीक्षा की जांच एसटीएफ को, सरकारी मरहम से कम होगा रुपए का दर्द, सरकार ने करेंसी बॉन्ड मार्केट के लिए जिन उपायों का ऐलान किया उनसे साल के अंत तक रुपया 3% तक मजबूत हो सकता है, हांगकांग को एक तरफा मुकाबले में हराकर पाकिस्तान का जीत से आगाज, रेलवे भर्ती परीक्षा ठेका मामले में केंद्र और बोर्ड को नोटिस, जेएनयू में सभी सीटों पर लेफ्ट का परचम, मुखौटा कंपनियों के बाद फर्जी निर्देशकों पर भी कार्रवाई की तैयारी, कंपनियों के 21 लाख निदेशकों पर शिकंजा, पेट्रोल के दाम 16 दिन में 3.33 रुपए बढ़े, राज्यों ने बजट नहीं होने का हवाला दिया, 2/3 राज्यों का मिड डे मील में दूध देने से इनकार, मंगखुत तूफान चीन पहुंचा, 24 लाख लोग हटाए गए, भारत वुहान समझौते के अनुसार सीमा पर शांति बनाए रखेगा, चीन सीमा पर सैनिक कम नहीं करेगा, सीतारमण, इसरो पीएसएलवी C-42 लिफ्ट्स ऑफ विथ 2 फॉरेन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, स्पेस एक्स अनाउंसेस न्यू प्लान टू सेंड टूरिस्ट अराउंड मून, टाइम मैगजीन बॉट फॉर $190 मिलियन बाय को फाउंडर ऑफ सेल्स फोर्स, इन 5 मंथ्स रेलवे रिमूव्स ऑल अनमैन्ड क्रॉसिंग ऑन मेजर रूट्स, पाक एक्शन अगेंस्ट टेरर फंडिंग नॉट सेटिस्फैक्ट्री, FATF बॉडी। दोस्तों, इसी के साथ आज का खबर समाप्त होती है। नमस्कार।